दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप भी ये चीज देखते होंगे कि बच्चे जितना फास्ट फूड और चाट पकौड़े पसंद करते हैं, उतना ही हेल्दी फूड्स, जूस और फ्रूट्स से दूर भागते हैं। दरअसल इसका कारण माता पिता या घर में बड़े होते हैं। साइंस कहता है कि बच्चे बचपन में जिस चीज को खाते हैं वो भविष्य में भी उसे ही खाना पसंद करते हैं। इसलिए अगर बच्चों को बचपन में ही हेल्दी फूड खिलाया जाए तो वो बड़े होकर भी वही खाएंगे। लेकिन पेरेंट्स कई बार अपने आराम के लिए बच्चों को बाहर का खाना खिला देते हैं या बच्चों को थोड़े टाइम की खुशी के लिए कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। यही वो मौका होता है जब बच्चे घर के खाने से दूर जाते हैं। ये सिर्फ बच्चों में खराब आदत का ही कारण नहीं बनता, बल्कि बच्चों को कई गंभीर बीमारियों की ओर भी धकेलता है। ज्यादा फास्ट फूड और बाहर का खाना खाने से दिल की बीमारियां, कैंसर, मधुमेह, दांतों की खराबी, ओबेसिटी और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। चुनकर खाना या खाने को लेकर सनकी होना, फूड फोबिया, हरी सब्जियों को देखकर मुंह बनाना, खानों के लिए इनकार करना, एक सीमा में खाना, भावनात्मक रूप से खाने के लिए मना करना, नाश्ता ना करना, रात के खाने से बचने के लिए जल्दी सोना। कुछ बच्चे खाने और पीने को लेकर बहुत ही प्रतिबंधित हो सकते हैं। ये माता पिता के लिए मुख्य चिंता का विषय हो सकता है। वे अक्सर कुछ खानों से बचते हैं क्योंकि वे बीमार होने, नए खाने और चॉकिंग से डरते हैं। हालांकि फूड फोबिया वाले बच्चे स्वस्थ होते हैं और ग्रोथ और विकास सही ढंग से करते हैं। जो वो खाते हैं या पीते हैं उसी से ज्यादा कैलोरी और पोषक मिलते हैं। हद से ज्यादा खाना खाने वाली आदत अधिकतर इंडिया में माता पिता द्वारा डाली जाती है। इंडिया में कुछ लोगों को गलतफहमी है कि मोटा बच्चा स्वस्थ होता है। इस प्रॉब्लम से बचना चाहिए क्योंकि ये बचपन में मोटापे का कारण बन सकती है, जो कि कई शारीरिक और मानसिक समस्या का कारण बन जाती है। दूसरी ओर ये नोटिस किया गया है कि जो बच्चे बचपन में मोटे होते हैं वो बड़े होकर भी मोटे बनते हैं। कुछ बच्चे सीमित खाना ही खाते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा व्यवहार आपका बच्चा तभी कर सकता है जब उसे आपके द्वारा ज्यादा खाने को लेकर सलाह दी गई हो या फिर आपका बच्चा एक जैसा खाना खाकर रोजाना थक गया हो।